नमस्कार, हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन के तरफ से दो इम्पोर्टेंट केसेस का डिटेक्शन हुआ है। इसमें फर्स्ट केस एक हैबिचुअल नोटोरियस क्रिमिनल हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन क्राइम टीम के तरफ से उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसका नाम मोहम्मद इब्राहिम है, 44 इयर्स ओल्ड। और उसके अरेस्ट के बाद उसके पास से 3 तोला गोल्ड, नेट कैश 10,000, 2 सेलफोन, एक बाइक, आयरन रॉड, स्क्रू ड्राइवर, टॉर्च लाइट, हैक्सॉ ब्लेड, सबका रिकवरी हुआ। ये जो ऑफेंडर है ये इसके पहले भी बहुत केसेस में इन्वॉल्व है और रहने वाला रेशम बाग गोलकुंडा का। बाहर से एक कार ड्राइवर का दिखाता है कि काम करने वाला है। और चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट, लंगर हाउस, गोलकुंडा, चादर घाट, आसिफ नगर, चिकड़पल्ली, राजेंद्र नगर, नारसिंघी, कंचन बाग, इन सब पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ पहले केसेस हुआ है। और दो बार 2016 और 2019 में पीडी एक्ट के तहत वो जेल में भी रहा है। तो अब फिर हमारे जॉइंट सीपी के तरफ से प्रपोजल प्रिपेयर हो रहा है उसको तीसरी बार पीडी एक्ट में अंदर भेजने का। दूसरा केस क्राइम नंबर 134/2021 ऑफ गोलकुंडा पुलिस स्टेशन। ये शुरू में लोगों को लग रहा था कि ये एक्सीडेंटल ग्राउंडिंग का केस है, लेकिन हमारे वेस्ट जोन के ऑफिसर्स को थोड़ा डाउट शुरू से था कि ये कुछ इसमें सस्पिशियस है। और उस डाउट को, उस लीड को जब ये लोग फॉलो किए तो पता चला कि ये बिल्कुल मर्डर केस है, जिसमें कि डिसीज अज्जू अली और अक्यूज मोहम्मद इरफान दोनों ऑटो ड्राइवर्स हैं और दोनों पुराने दोस्त हैं। दोनों के बीच में कुछ इश्यूज को लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा श्योरिटी बनने के लिए, और कुछ विमेन का इशू भी था, जिसके तहत उस दिन ये एक्चुअली धक्का देकर उसको पानी में गिरा दिया। तो इस पूरे केस में, इस पूरे ऑपरेशन में हमारे जो ऑफिसर्स अच्छा काम किए हैं, चंद्रशेखर रेड्डी SHO, मट्टम राजू एडिशनल इंस्पेक्टर, जे महेंद्र रेड्डी SI गोलकुंडा पुलिस स्टेशन, और ACP आसिफ नगर शिव मारुति, एडिशनल DCP इकबाल सिद्दीकी अंडर ओवरऑल लीडरशिप ऑफ जॉइंट CP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास। आज ऑफिसर्स जो हैदराबाद के बेस्ट परफॉर्मर्स हैं अपने अपने वर्टिकल में, जैसे रिसेप्शन ऑफिसर, टेक टीम ऑफिसर, सेक्शन इंचार्ज, स्टेशन राइटर, वारंट एग्जीक्यूशन, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर, एडमिन इंस्पेक्टर, ट्रैफिक ऑफिसर्स, जिनका सिलेक्शन DGP ऑफिस का जो सेंट्रल टेक्निकल टीम है उनके तहत हुआ और इनका परफॉर्मेंस स्टेट में सबसे अच्छा पाया गया, इसीलिए एक सिटी पुलिस के तरफ से स्मॉल मोमेंटो उनको दिया जाएगा। उनका ये हार्ड वर्क और भी ज़्यादा अहमियत इसलिए रखता है कि एक तरफ हैदराबाद सिटी पुलिस कोरोना से फाइटिंग कर रही थी, दूसरे तरफ हैदराबाद सिटी पुलिस ने इंश्योर किया कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। इसी के साथ एक और चीज मैं शेयर करना चाहता हूं कि हैदराबाद सिटी पुलिस का जो कमिटमेंट है टू चेक स्पूरियस सीड्स, गांजा, गुटखा, ये हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं। और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हों, स्टॉकिस्ट हों, वेयरहाउस ओनर हों, पान डब्बा वाला हो, सबके तरफ से कमिटमेंट होना। और ऑलरेडी हम लोग हर लेवल पे मीटिंग रख रहे हैं जिसमें कि पूरे लोग मिलकर इस सोशल इविल को हैदराबाद से बिल्कुल खत्म करें। जून महीने में, 1 जून से लेकर अभी तक हैदराबाद सिटी में 223 केसेस बुक हुए हैं और इसमें 299 पर्संस की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सेंट्रल जोन 71, ईस्ट जोन 59, नॉर्थ जोन 23, साउथ जोन 44 और वेस्ट जोन 26। एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, ये मॉनसून के बारे में है एडवाइजरी। जैसा कि आप जानते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, ये महीना हर साल बारिश होती है और हर साल बारिश में रोड एक्सीडेंट भी होता है, रोड स्लिपरी रहता है। इसीलिए एक बार आप लोगों की तरफ से पूरे पब्लिक को मैं अपील करता हूँ, खास करके बाइक राइडर्स को, कि बिल्कुल स्लो चलाएं।
अगर कहीं आप 10 मिनट लेट पहुंच रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं बी लेट देन नेवर, एक्सीडेंट से बचें और हेलमेट जरूर पहने। और ऐसे में मौके पे मैं सभी हस्बैंड से अपील करता हूं कि अगर आप अपनी वाइफ से मोहब्बत करते हैं तो उनके लिए जरूर हेलमेट खरीद कर उनको दें। आज की तारीख में अभी बहुत जगह हम लोगों को देखने को मिलता है कि आगे हस्बैंड हेलमेट बना पहनते हैं लेकिन अपनी वाइफ को हेलमेट नहीं देते हैं। ये बहुत गलत है और ये कानूनन भी गलत है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि हेलमेट जरूर पहने। बोनालू के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रहा है सिटी पुलिस के तरफ से, कुंडा, उज्जैनी, महाकाली, सिकंदराबाद और सीमा वाहिनी महाकाली एट लाल दरवाजा, ये तीनों जगह हमारे डीसीपी साउथ जोन, जॉइंट सीपी वेस्ट जोन और डीसीपी नॉर्थ जोन के साथ मिलकर हर स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो रही है और जिसमें कि छोटा छोटा इशू हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इसमें हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, 2 साल पहले गोलकुंडा महाकाली के समय एक डिवोटी, एक भक्त को हार्ट अटैक आ गया था। बाद में पता चला कि उसका हार्ट बहुत वीक था, उसको गोलकुंडा के सीढ़ी पर नहीं चढ़ना चाहिए था। तो इन सब की बातों का फैमिली के तरफ से कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं मालूम होगा किसका हार्ट वीक है किसका स्ट्रांग है, तो फैमिली मेंबर की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो इस तरह के वीक लोगों को फेस्टिवल में नहीं लाए। इसी तरीके से गर्भगृह के अंदर बहुत ज्यादा कभी कभी सफोकेशन रहता है, तो वहां भी ज्यादा लोग नहीं जमा हो, ये हमारे तरफ से सबको अपील है। थैंक यू सो मच।